उनके पास कुछ बच्चे खेल रहे थे आपस में, कहते आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में जा गिरा। जैसे उसके दूसरे मित्र ने देखा, अरे ये तो कुएं में गिर गया है, अब मैं क्या करूं, उसने जल्दी से बाल्टी फेंकी, रस्सी डाली और उसको कहा जल्दी से बाल्टी में आ जा, मैं तुम्हें कोशिश करता हूं तुम्हें बाहर निकालने की। और बड़े उत्साह के साथ उसने उस बच्चे को जैसे तैसे कर बाहर निकाल लिया और बड़े खुश हुए। और उस खुशी में, उसी प्रसन्नता में नगर में पहुंच गए और जाकर चौपाल में सबको बताया कैसे ये बच्चा मेरा मित्र जो है वो कुएं में गिर गया था और हमने ऐसे रस्सी डाली, बाल्टी डाली और इसे बाहर निकाल लिया। ये तो हो ही नहीं सकता, ये असंभव कार्य है कि एक छोटा सा बच्चा किसी दूसरे बच्चे को कुएं में से बाहर निकाल सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो एक बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मुझे इन बच्चों की बात पर विश्वास है, ऐसा हो सकता है? आप यह कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, आपका प्रश्न गलत है। आप यह पूछे कि यह कैसे हो गया, यह हुआ कैसे? तो सब हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा वो इसलिए हुआ क्योंकि इन बच्चों को यह बताने वाला वहां कोई नहीं था कि यह असंभव कार्य तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, कोई नहीं था वहां, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ असंभव भी होता है। उन्हें लगा ऐसे डालते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं,